गर्म पानी का झरना है। इससे बढ़िया व्यू झरने का जो पत्थर है ये राजस्थान से आते हैं, अफगानिस्तान से नहीं आते। दूसरे मैच खेल के मजा, भाई मिलते हैं बाद में। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी आए हैं भैया के भतीजा की भांजा और हम तीनों मिलके किन्नौर बाउंड्री के पास जा रहे हैं, बॉर्डर के पास। और भैया कह रहे हैं यहीं से मुड़ते हैं क्योंकि भैया की कार में पेट्रोल नहीं है। क्या बनता है, जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, ज्यादा आगे जाके फायदा कोई है। चलो यहीं तक चलते आगे जो मोड़ है। चलो अगर आरव कह रहा है तो चले जाते हैं। लेट्स गो। ये हमारी भेड़ बकरी आ गई। ये वहाँ से आ रहे हैं, ये वो जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना अभी। हाँ, वो हाइट पे। हाँ, वो हाइट पे, वो वहाँ से आ रहे हैं आई थिंक, क्योंकि अब वो हो गया ना सीजन ऑफ, वहाँ पे ठंड पड़ रही है तो नीचे उतर गए। गर्मियों में पूरे 6 महीने रहते हैं ऊपर। तो यहाँ से स्टार्ट होती है किन्नौर की क्या है बाउंड्री, मतलब बॉर्डर लगा लो, यही स्टार्ट है। पर अभी फिलहाल के लिए हम नहीं जा रहे हैं कि अभी आगे रोड घर भी जाना है, सामान मंगवाया है, खतरा हो सकता है क्योंकि आजकल वैसे बारिश वाला मौसम है, कभी भी वहाँ पे लैंडस्लाइड कहीं फंस सकते हैं। ये है ऊपर का नंबर, रिब्बा का। ये रिब्बा का नंबर नहीं है बेटा, ये है रूरल शिमला का नंबर। ये भैया का नंबर है, भैया को पता है। वहाँ का भी ऐसा ही आई थिंक 67 ऐसा कुछ तो है। 67 है पर बट 63 जो है ये कसबों का नंबर है। तो गोल्डी आगे ना एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है, पुन्नु महादेव जी। तो वहाँ पे गर्म पानी का झरना है, वहाँ में बिल्कुल गर्म पानी का झरना 24 घंटे हर मौसम, हर मौसम वहाँ की कुआ है। और तो वहाँ पे अभी नया मंदिर बन रहा है ना, तो वहाँ पे अब ऐसी कोई मतलब पत्थर की एक ऐसी चीज लाई है ना, वो मतलब यहाँ की नहीं है, इंडिया कंट्री से नहीं लाई है, वो किसी और कंट्री से लाई है। फिर उसमें अब दिन में 3 बार कलर चेंज होता है। ऐसे पत्थर तो शायद अफगानिस्तान में मिलते हैं मेरे ख्याल से। भैया बताओ, आपको पता है? नहीं पता। सुबह वो ब्लू होते हैं, दिन को ऑरेंज होते हैं और शाम को अभी पर्पल टाइप हो जाते हैं। अभी दिखाएंगे आपको आगे पहुँच के। भैया लेके जाओगे इस मंदिर में? चलो बिल्कुल लेके जाएंगे। दो मिनट ब्रेक मारेंगे। तो मजा आने वाला है, ऐसे रंग बदलते हुए देखना। वैसे पत्थर रंग नहीं बदलेगा अभी, बट गर्म पानी का जो है वो देखने को मिल जाएगा। अभी जो गर्म पानी पत्थर का रंग तब फायदा है जब हम 24 घंटे तो नहीं, कुछ 12-13 घंटे वहाँ बैठ जाए। सामने क्या व्यू आ रहा है वहाँ पे, है ना, पहाड़ी के पीछे पूरा सन है डूबते हुए। और ये कौन सा वो है शहर? ये ज्यूरी है, काफी बड़ा है, शिमला जिले का। चाइना बॉर्डर भी यही से शुरू हो जाता है ऊपर छतपुर से। तो सामने वही मंदिर आ गया है, तो यहाँ पे हम जाएंगे पुन्नु महादेव। तो कुछ ऐसी सी एंट्री है, कहाँ है पत्थर? पत्थर नहीं, ये बढ़िया व्यू झरने का। वो देखो जी सामने झरना भी है। बटी सिक्के का किसी को ऊपर वाला नहीं दिखता। हाँ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। और फ्लो इतना गर्म वाटर है ना, बहुत गर्म। ये वो गर्म पानी वाला। हाँ और भी है, मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे गर्म है पूरा, तभी है बहुत ज्यादा गर्म है यहाँ पानी। यार गर्म पानी का तालाब है ये भी। हाँ ये भी देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी गर्म है पानी। और इसमें पता क्या था, इसमें भी कुछ है, मतलब देखो ये मटका ऐसा है ना, इसके अंदर से निकलता है पानी। अरे गर्म है, आप सुना भैया? इतना गर्म भी नहीं है, हमारे हाथ ठंडे है। तो जय भोले शंकर, गर्म पानी का ठीक है। तो ये फेमस है पुन्नु महादेव, ये 12 महीने ऐसे ही रहता है गर्मा गर्म। इसमें भी गर्म पानी आता है, ये नीचे जो आ रहा है वाटरफॉल ऊपर। पत्थर तो दिखा नहीं मुझे, पत्थर का आएगा जो रंग बदलता है वो तो बाहर है यार। इंटरेस्टिंग बात ये लगी ना, इस मटके से पानी निकल रहा है। अब इसमें नहाएंगे ना तो स्किन जो होती है ना हमारी, स्किन रोग वो ठीक हो जाती है इस पानी से। ये है जो पत्थर जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाले पत्थर। हाँ अभी देखो इनका कलर, ये तो जो पत्थर है ये राजस्थान से आते हैं, अफगानिस्तान से नहीं आते। कैसा दिखता है पूरा पत्थर, यहाँ कुछ शायद बन रहा है इस पत्थर से, मंदिर टाइप का बनेगा यहाँ पे। तो गाइस हम ज्यूरी बाजार पहुँच गए हैं, इनका बाजार जो है काफी अच्छा है। हम आरफ के घर पहुँचने वाले हैं, पैदल का रास्ता थोड़ा सा, कहाँ तक कह रहे थे खेल रहे बोलो, आप चलेंगे अभी दिखेगा वहाँ पे। हाँ तीन तीन वहाँ पे लाइट्स है, बस फिर चलते हैं स्टेडियम है पूरा। चलो फिर खेलोगे भैया बैडमिंटन? भैया काम भी और भैया होते बहुत सारे। ये है आरुष का घर, आरुष नहीं सॉरी क्या नाम था, आरव। अभी हम जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने आरव के साथ, थोड़ी सी दूर है मंदिर के पास है ना।
वहीं से ऊपर ग्राउंड है। आजकल हम पता क्या ऐसे बोर होते रहते हैं ना घर पर आई से, तो फिर अब क्या कर रहे हैं, तो हमने सोचा फिर एक अंकल है ना वो कोटगढ़ साइड के हैं, उन्होंने ही बोला, हम लोग तो नहीं खेलते ना ऐसे रात रात को, कौन खेलते, कोई नहीं खेलता आपको बताइए। तो फिर हमने सोचा सब ऐसे यहाँ पे आपको बताए मैक्सिमम लड़के ना यहाँ पे जो पढ़े लिखे नहीं है ना वो लोग वही लोग है बस रात तक खेलने वाले। मैं गाइस आपको बता रहा हूँ, बाकी ये कहीं सुन रहे हो क्या बोल रहा बच्चा, नशे पानी करते हैं अच्छा, इसलिए फिर उनको उन्होंने वो जो अंकल है ना उन्होंने बोला ऐसे घूमते रहते थे रोड में बेमतलब के ना, फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग अब खेलो बोला यहाँ पे, फिर आज चल ठीक है। तो सामने मंदिर है कहाँ है वो रा मंदिर उस साइड, ये है माता सियासन वो खेल रहे हैं बैडमिंटन में, कोर्ट बनाया गाइस ऊपर बहुत बड़ा है, काफी लोग खेल रहे हैं यार। हाँ। ये तो मेरी एज के लग रहे हैं, मेरे से ही बड़े बड़े। ये पूरा हमारा कोर्ट है तो गाइस देखो आप बोल रहे हैं यहाँ पे अंधेरा है, हाँ लाइट लगा रखी है अच्छा बना रखा है तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, जो भी मंदिर आया था कौन सा मंदिर है माता सियासी का, काफी पुराना है कि नया है, मेरे दादा के पापा के टाइम का है, शटर लगा रखा है, ये ताला लगा है, ताला है। वैसे मैं कोई ये वाला गांव ना सच में बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं दो तीन गांव अभी तक जाके आया यहाँ के जो एरिया में रामपुर के, तो मुझे सबसे बड़ा ये लगा, ये शहर जैसा लग रहा है, मतलब प्रॉपर शहर तो नहीं है पर शहर जैसा है ये गांव। रास्ते वगैरह घर वगैरह क्या नाम है शहर वो गाँव का, प्यावल गाँव का क्या नाम है, प्यावल प्यावल, हाँ जी प्यावल प्यावल सिंपल प्यावल 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 कहाँ से, बस यही रास्ता है तो अभी हम मैच खेल के घर जा रहे हैं, दो मैच खेले हमने दोनों हार गए, पहला मैच तो बहुत गंदे वाला हारे, कम से कम हम पांच पता नहीं छह किससे हारे, वही नौ मतलब दसवीं क्रॉस की हमने, और दूसरे मैच में भी ऐसे ही हाल था, पर हमने लास्ट में कुछ ऐसा कर दिया मतलब कि हार तो गए पर बहुत लास्ट में हमने अच्छा स्कोर ले लिया ना, हाँ मतलब वो खुद ही बोल रहे थे पहले चला गया था 14 कुछ, हाँ फिर हमने 15 से ऊपर ले लिया स्कोर, फिर उनका गेम पॉइंट था, फिर लास्ट में हमने इतनी मतलब उनके सिर्फ उनको 6 पॉइंट लास्ट में उन्होंने 6 पॉइंट लिए और हमने उन 6 पॉइंट के बीच में कम से कम 10 पॉइंट ले लिए, उन्होंने खुद ही बोला वाह क्या बढ़िया खेला इसको मैं तो बेकार खेलता हूँ, नहीं नहीं बहुत तकड़ा मैं वीडियो है, मैंने पैसे दिए ना इसलिए ऐसा बोल रहा है नहीं कोई सफारी नहीं है भाई मैं दे दूंगा टेंशन नहीं, दूसरा मैच खेल के मजा आ गया। तो गाइस गांव का व्यू अब ब्रांड से ये गांव रहा नहीं, ये तो मेरे को शहर लग रहा है पूरा, मैं पहला ऐसा गांव देख रहा हूँ जितना खतरनाक है, बाकी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि निरमंड करके गाँव है वो भी एकदम अच्छा, पर मैं घूमा नहीं कार से देखा था वो भी अच्छा लगा, ये बिना कार के ऐसी गलियों में घूम रहा हूँ ये मुझे ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि चंडीगढ़ में जाते हो ना तो वहाँ की जो गांव वगैरह है वो भी ऐसी थोड़े हैं, भले थोड़ी गलियां छोटी हैं यहाँ की पर घर अच्छे बने हैं उनके, ये बाकी आरएफ का घर है तो ये भी अच्छा बना है, लगता नहीं है गाँव का घर है शहर का घर लगता है पूरा है। अच्छा खासा खर्चा किया आरव और ने आरव और ने ना आरव ने नहीं आरव और ने किसकी क्यों जब बोलते डीजे वाली, अच्छा वो पिछली वीडियो वो फंक्शन में गए थे इसलिए कॉपीराइट आएगा, चातर में हटा सकता रहा वो म्यूजिक, पर वीडियो अच्छा रखने के लिए थोड़ा बहुत चलता है यार, पैसे कम कमा लेंगे और क्या, 10-20 रुपए कम कमा लेंगे, बैडमिंटन खेल पहुंच चुके, गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है दिल कर रहा खोल दूं पर ठंड लग जाएगी इसलिए खोलना नहीं है, बाकी शहर देखो शहर के गांव देखो पूरा, उस साइड है ना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट उस साइड हम उस साइड ही गए थे स्टार्टिंग में, बिच्छू जैसा हाँ लग तो रहा है बटरफ्लाई जैसा लग रहा मुझे, तो फंक्शन हम यहाँ से आगे हो गए थे इसी पहाड़ी पे है वो ना जम गए थे मिल में गया था वहाँ पे भी देवता आए थे ना आ जाए थे उनका नाम है बोंडा नाग वो मैं बोंडा बोल रहा था ना वहीं से हो गए, मुझे कहीं ना आरफ अपने वो भाई के लड़के जैसा लगता है हरमन, जो मैं शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता होगा हरमन कौन है,
वो भी ऐसे बोलता रहता है वीडियोस में, वह थोड़ा ही मैच्योर है, वो थोड़ी इतना मैच्योर नहीं है, पर अच्छा है वो ही बोलता है। तो आजकल के बच्चे अच्छे हो रहे हैं, बस गाली गुली ना दे। हाँ, है ना? हाँ, वहाँ देखा ना, मैच के टाइम बहुत अब्यूसिव थे, पर वो मेरे से ही बड़े थे। आपको बड़े मेरे से बहुत बड़े, उनकी एज होगी 25 के आसपास, काफी बड़े। बट हमने कहा दूसरे मैच में बड़ा अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कमबैक, भले हम 6-5 पॉइंट से हार गए, पर मजा आ गया खेल के, क्या मतलब स्वाद आया। पहले हमारे कितने थे, 9 पॉइंट थे, और उनके चले गए थे 13। बज रहे हैं रात के 7:23, शायद जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना हमने पिंजौर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये टॉपी गिफ्ट करी है आरव की फैमिली ने मेरे को, थैंक यू आरव फॉर दिस टॉपी। बड़ा दुख हो रहा है, जाने वाले हैं। आप भी जाने वाले हैं पर स्कूल। गाइस, अगले व्लॉग में जो आऊंगा जाऊंगा चंडीगढ़, जब मैं आ जाऊंगा अभी। अच्छा, हम जा रहे हैं घर, मतलब पिंजौर, और आरव जा रहे हैं अपने स्कूल, क्योंकि आरव की बस छूट चुकी है, तो हम आरव को छोड़ेंगे उनके स्कूल तक, क्योंकि रास्ते में ही है। और आरव कैसा लग रहा है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ? बहुत बेकार लग रहा है। आधे दिन के लिए भी नहीं आया, पर कल तो हमने मजे किए ना। अच्छा लगा। तो हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए, मिलते हैं स्कूल। बाय, मिलते हैं बाद में। तो अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए यहाँ पे, 4 घंटे का सफर है हमारा। अभी हमें मतियाना में, और अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है ना, 1:45। तो लगभग वही 4 घंटे भैया ने बताया, 4 घंटे वाले 5 बजे तक हम घर में। हाँ, बीच में होगी एक स्टॉप और ले सकते हैं, क्योंकि जैसे खाना होगा या कहीं और लंच कर लें। अभी चाय चुई पी लेते हैं फिर निकलते हैं। चाय चुई पी ली है, अब हम निकल रहे हैं। तो अभी हम रुके हैं एक ढाबे में खाना खाने के लिए, लंच करेंगे यहाँ पे, और सामने कुछ है ढाबा, खाना भी खा लिया, अब घर निकलेंगे। अब तो 1 घंटे का रास्ता ही रह गया, बस पहुँचने वाले हैं।